गुड मॉर्निंग जी। आज कई दिनों बाद भगवान जी के दर्शन करिए। ये ना लाइट खराब हो गई ऊपर की भगवान की, ये वाली, इसको ठीक करने के लिए मेरे को बुलाना है किसी को। देखते हैं आज करवाते हैं। तो चले शर्मा जी को चाय पिलाएं, सो रहे हैं अभी शायद वो। क्या हुआ, उठ गए आप? तो मैं इधर बैठती हूँ, फिर पकड़ लूंगी। नमस्कार जी, राधे राधे सभी को। एक नया दिन, एक नया वीडियो और एक नई शुरुआत। और आज की शुरुआत कर रहे हैं हम बैठ के बालकनी में अकेले अकेले, क्योंकि आज सुबह कुछ भी वीडियो शूट नहीं करा और काम में लग गई। फिर तो वही सर्दी वाले काम, सब्जियां सुधारो, ये वो, खाना वाना बना के। फिर अब मैं, 2 बज रही है, अब सारा काम हो चुका है एक बार, तो अब मैं करूँगी अपना जो भी, दोपहर में सोचूंगी कुछ करने के लिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो सो जाऊंगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। कभी कभी ऐसे आलसी वाला दिन होता है ना, आज वही वाला दिन लग रहा है मेरे को, क्योंकि ना मौसम भी ऐसा हो रहा है, ना धूप है ना बादल हैं, बीच का सा मौसम है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, मालूम नहीं क्यों नहीं लग रहा है। तो कुछ शूट वूट करने का अभी कुछ है नहीं आज का। और अभी जो आने वाला वीडियो है उसमें आप लोग देखेंगे कि मैंने वो DIY का बैंगल बॉक्स बनाया है। तो अभी ना मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ना इसका ऐश्विक का आने का टाइम हो रहा है। तो मैंने आज ना मेथी की पूड़ी बनाई थी, तो थोड़ी सी तो सेकी थी सुबह भी, फिर दूसरे काम में लग गई थी तो मैंने बीच में एक बार गैस बंद कर दी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पूड़ियाँ सेकना शुरू करूँ, और जब तक पूड़ियाँ सेकेंगी जब तक ऐश्विक भी आ जाएगा, क्योंकि उसको वैसे भी गर्म खाने की नहीं रहती है, और मेरी भी पूड़ियाँ सेक जाएंगी तो आराम से। फिर साथ में ही खाना खाएंगे फिर हम लोग, मतलब एक साथ खाना खा लेंगे। बस यहाँ फटाफट अब मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। और ये पहले दिन का व्लॉग है, अब आगे आने वाली क्लिप जो है वो नेक्स्ट डे की है, और उसके आगे आने वाली क्लिप जो है वो उसके भी नेक्स्ट डे की है, क्योंकि कंटिन्यू बना ही नहीं व्लॉग तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो आप लोग इन्जॉय करिए क्लिप और बने रहिए वीडियो में। नमस्कार जी, राधे राधे सभी को। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह जल्दी तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, तो आज रोशनी की शादी है तो उसको अटेंड करने ही जा रहे हैं। बस अभी मैं ही जा रही हूँ अकेले, और मौसी भी जाएंगी, तो मौसी को लेने अब घर के, अपने घर से निकले हम लोग, मौसी को लेंगे। और अगर प्रीति दी का फ़ोन आया, उनका फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है, अगर उनका फ़ोन आया तो उनको भी ले लेंगे फिर हम लोग। और ठीक है, बस मिलते हैं फिर आप लोगों से। गुड मॉर्निंग जी, मैंने बताया ना आगे आने वाली क्लिप ये तीसरे दिन की है, तो बस थोड़ा कट कट करके बनाया वीडियो, आगे से कंटिन्यू बनाने की प्लानिंग करती हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, तो कैमरा रखने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। फिर ढूंढ ढांढ के जगह बना ली थी चाय, तो उसके बाद जो भाई क्या उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरे प्लांट की हालत क्या हो रखी है, सारे इतने लंबे लंबे डंडियाँ निकल गई थी इसकी, लेकिन सब चूहों ने बर्बाद कर दिया। तो बस इसी की अब साफ़ सफाई करके एक बार दोबारा से इसको मिट्टी डाल के सेट करूँगी तो हो जाएगा ग्रोथ। पर वो इतना जो सुंदर लग रहा था वो तो उसमें से ख़त्म ही हो गया पूरा का पूरा। और कई दिन से सोच रही थी इसको भी करने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर कल दोपहर में मैंने ये वाला काम करा था, तो ये कल दोपहर की ही क्लिप है। कल का तो देखिए एक काम मैं दिखाती हूँ आज आप लोगों को। एक तो ये प्लांट मेरा चूहों ने आतंक मचा रखा है, मालूम ही नहीं क्या चाह रहे हैं चूहे मेरे से। और इसका भी सारा छटनी करा मैंने,
जो था वो सारा काट कूट दिया चूहों ने, और अब ये थोड़ा सा और रह गया डैमेज, इसको मैंने ना क्लियर कर दिया पूरा। अब ये नए तरीके से ही फिर से ग्रोथ करेगा प्लांट मेरा। पहले का प्लांट आप लोगों ने देखा ही था कितना बड़ा हो गया था, और इन सब के भी डेड निकाल दिए। यहाँ पे तो चूहे नहीं आ रहे थे, इस पे थोड़ा सा पानी का ही मेरे को लगता है कम ज़्यादा का हो गया था, तो थोड़े से पत्ते इसके पीले पड़ने लग गए थे। और ये यहाँ पे जो मेरे पास बोरी रखी थी उसकी मिट्टी की बड़ी बोरी, ये जो रखी है ना यहाँ पर ये वाली, तो मैंने इनको लेके ये छोटी छोटी बोरियों में सोचा है। जैसे आजकल वो ग्रो बैग आ रहे हैं ना, तो मैंने इनको ग्रो बैग बनाने की करी है। ये देखिए ये सब जो थे ना इसके मनी प्लांट के मेरे निकले थे, तो मैंने इसी में डाल दिए, क्योंकि वो खाद बन जाएंगी वो तो सूख के। तो अब इसमें ना मेरे को प्लांटर ला के लगाने हैं। तो ये था मेरा कल का काम। और ये तो मेरे रखे हुए हैं भाई, इनको तो मैं निकाल नहीं सकती जब तक चूहे पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाते बाहर के आतंक मचाना। और इधर किचन में है, मैंने नाश्ते में बनाया था खमन, और ये मंगोड़ी मैंने सेक के रख लेती हूँ इस तरीके से। मैं इसमें ना देखिए थोड़ी थोड़ी कच्ची रह गई, तो अभी इनको छांटूंगी मैं, फिर इनको दोबारा से सेकूंगी और सिकी सिकी अलग कर लूँगी। पता नहीं है इस बार ये ऐसे कैसे रह गई, आधी तो बिल्कुल कच्ची रह गई और आधी एकदम सिक गई हैं। और इसमें मैंने सब्जी बनाई है मंगोड़ी की, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो कितना सुंदर कलर सब आया है। अभी खाना खाने आएंगे ये, तो सब्जी वगैरह मैंने बना के रखी हुई है, कोई आ गया गेट पे दिखाते हैं। ये खमन बनाए थे मैंने नाश्ते में, तो ये तो फ्राई वाले खमन है, और एक वो जो बनते हैं ना दूसरे वाले वो भी बनाए मीठे वाले, वो भी गेट पे कोई है, फिर बात करती हूँ मैं। ये देखिए ये वो वाले जो मीठे वाले बनते हैं ना, ये उस टाइप के बनाए। देखिए इन पौधों को भी मैंने ठीक करा, और अब मालूम नहीं है ये पौधों में भी कितना। देखिए ये एक प्लांट दिखाऊं मेरा आपको, आप सबको एक प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा ना चला गया था वही चूहों की मेहरबानी से, तो अब इसको मैंने साथ साथ पानी डालने का भी काम कर लेती हूँ। उस प्लांट की क्या मैंने एक्स्ट्रा सारी टहनियाँ काट दी, तो वो हल्की हल्की अब नई शुरू हो रही हैं उसमें से। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।